हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले कुछ घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपको लेकर, या अगले कुछ घंटों में वो आपको लेकर कैसा फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एग्जैक्टली और एक्यूरेटली रेजोनेट ना करे, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, और पॉसिबल है कि ना भी रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। तो आप कितने भी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने भी समय बाद इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इसे देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगले 24 आवर्स में, नॉट 24 आवर्स, अगले कुछ घंटों में, ओके, इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहली चीज व्यूअर्स यहाँ पर जो नजर आती है वो ये है दैट आपके जो पर्सन है वो अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहीं बहुत बहुत इन्वेस्ट किया, कहीं पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं, और अब उनको कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, आगे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कुछ रिटर्न में नहीं दिख रहा है, उनको दिख नहीं रहा कि आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस कनेक्शन का, आगे हमारी शादी, आगे कुछ सीरियस हो पाएगा कि नहीं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं समय के साथ, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनका आपके प्रति बढ़ गया है, बट दे डोंट नो वट टू डू विद दैट नाउ। उनको पता नहीं है कि अब उस अटैचमेंट का क्या करें, ऐसा लगता है जैसे इमोशनली, यानी बहुत इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, तो अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, उन्होंने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, पर अब उन्हें लग रहा है सब कुछ बिखर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों में थोड़ा सा मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इस वजह से वो बहुत वीक फील कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में, और काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं। वो खुद से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या अपनी किस्मत से, अपनी डेस्टिनी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है व्यूअर्स जिसकी वजह से उनकी उम्मीद टूट रही है। ओके, जिसकी वजह से उनकी उम्मीद टूट रही है और कहीं ना कहीं वो निराश होते जा रहे हैं, वो पीछे मुड़कर पास्ट को बार बार देख रहे हैं कि कैसे थे वो दिन, कैसा सब कुछ था, कैसे मैंने प्लान किया था, कैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के, प्लानिंग के, या मेरी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बदल गया, समय बदल गया, हालात बदल गए, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हेल्पलेस। तो उनको काफ़ी कमज़ोर फील हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, और उनको लग रहा है दैट दे आर फेसिंग अ लॉस, उनको लग रहा है उनको बहुत हानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी बर्डन भी फील करते हैं, ऐसा लगता है बहुत बर्डन है उनके दिल पर, काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं, बहुत कुछ है जो अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है, बहुत कुछ है जो कहीं ना कहीं हाइड करके रखा हुआ है, और वो पेन है, दैट्स द पेन ऑफ लूजिंग यू, दैट्स द फियर ऑफ लूजिंग यू। वो जो डर है आपको खोने का, वो जो डर है, दुख है इनके सपने टूटने का, वो जो डर है कि आगे कुछ नहीं हो पाया तो,
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो अनकन्फेस्ड हैं, बहुत सारा ऐसा पेन है, बहुत सारी ऐसी चिंता है जो अनकन्फेस्ड है और अनएक्सप्रेस्ड है। ये सारा दर्द, ये सारा टेंशन, ये सारा निराशा जो है, सारी निराशा कहीं ना कहीं इनको बहुत बैगेज की तरह, बर्डन की तरह फील हो रही है अब। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे फेस करें या आपको आपकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करें। कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर, जो भी कुछ आप लोगों के बीच हुआ है वो क्लियरली दिख तो नहीं रहा है, लेकिन साफ ऐसा तो दिखता है कि वो कहीं ना कहीं किसी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील भी कर रहे हैं, उनको बहुत बोझ महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ना फेस टू फेस बात करने का कॉन्फिडेंस भी खो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, प्रेशराइज्ड फील करते हैं और अगले कुछ घंटों में भी ऐसा ही लग रहा है। निराशा में ही है, टेंशन में ही है अगले कुछ घंटों में भी। दे लुक हैप्पी, काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी दिखते हैं, इफ़ नॉट हैप्पी तो काफ़ी फुलफिल्ड और काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, ये नज़र आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं है। अंदर से सब कुछ बदल गया है, सिचुएशन बहुत बदल गई है, एक ऐसा चेंज आया है जो किसी चीज़ को समाप्त कर रहा है और किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। उनको नहीं पता कि आगे डेस्टिनी उन्हें कहाँ ले जा रही है, वो बहुत ज़्यादा क्लूलेस और विजनलेस फील कर रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और अब आगे किस्मत उन्हें कहाँ ले जा रही है, दे हैव नो आइडिया। तो बहुत ही क्लूलेस, विजनलेस, हेल्पलेस, डिसअपॉइंटेड, स्ट्रेस्ड और बर्डन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन फायर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर सभी जोड़ियाक साइंस इंक्लूड हो ही जाते हैं। या लेट मी सी मोर इनटू दैट जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूवर्स दैट वो बहुत शांत हो गए हैं, उनकी तरफ से आप कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कुछ कन्फेशन कुछ देखेंगे नहीं आगे आने वाले कुछ और समय तक, कुछ और दिनों तक, कुछ और समय तक इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन मुश्किल है, पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल शांत हो गए हैं। जब से सब कुछ इनके अगेंस्ट हुआ है या सिचुएशंस कब इनके जो फेवर में थी वो कब इनके अगेंस्ट हो गई इनको पता नहीं चला, तो काफ़ी शांत हो गए हैं। ऐसा लगता है बहुत शॉक्ड है, एक धक्का सा लगा है उनको किसी बात का, हो सकता है उनके किसी अपने ने उन्हें बिट्रे किया है, इन्होंने किसी के साथ कुछ सीक्रेट शेयर किया था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम बन गया है, ये कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये स्टक हो गए हैं, बट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो चुप हो गए हैं, और हो सकता है उनकी कोई ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं सकते, मैंने कहा ना वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, तो काफ़ी शांत लग रहे हैं, काफ़ी मिस्टीरियस नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी क्वाइट। इवन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अंदर ही अंदर ना ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसी इंट्यूशन आ रही है अंदर से कि जैसे सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ छूट रहा है उनसे, सब कुछ उनसे दूर हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको ऐसी इंट्यूशन उनका ऐसा गाइड कर रही है उनको। लेट्स सी मोर, उनको लगता है व्यूअर्स जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपकी गलती नहीं है, यू आर वेरी इनोसेंट, आप शुरू से बहुत इनोसेंट थे, अभी भी बहुत इनोसेंट हैं, आप काफ़ी मासूम हैं, काफ़ी प्योर हैं, प्योर हार्टेड हैं, आपका दिल साफ़ है, आपका मन साफ़ है, आपके मन में कोई छल कपट, कोई चालाकी नहीं है, तो वो आपकी मासूमियत को देखकर और ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है अपने ऊपर कि इतने इनोसेंट या इतने प्योर इंसान के साथ, इतने प्योर हार्टेड इंसान के साथ
कुछ गलत मैं कैसे कर सकता हूँ या मेरी तरफ से कोई गलती कैसे हो सकती है। कुछ तो इनसे ऐसा हो चुका है या तो इनसे कोई मिस्टेक हुई है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको हर्ट ना कर दें क्योंकि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, तो गलती से भी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। चलिए मैं आगे और देखती हूँ। व्यूअर्स, आपका और इनका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर जुलाई जुलाई अक्टूबर जुलाई सितंबर एंड मार्च, सितंबर एंड मार्च एंड जनवरी, अगस्त, अप्रैल, ये कुछ महीने हैं व्यूअर्स जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 9/19/29, 10/20/31, 21/31/1, 7/17/27, 3/13/23 and 10/20/30, या बोल दिया मैंने ऑलरेडी। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आपके या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर ये बर्थ मंथ और ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आइए देखते हैं और यहाँ क्या मैसेज है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। व्यूअर्स, वो अगर पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, काफी बर्डन और काफी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो वो तो आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी कम नजर आता है। तो यहाँ पर आपके लिए है व्यूअर्स कि अगर आप चाहें, अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करें, आपका दिल आपका मन ऐसा अलाउ करे, तो आप बोल्ड होकर यानी कि खुद कॉन्फिडेंस के साथ खुद काफी बोल्ड होकर फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर वो फर्स्ट स्टेप लेने में नर्वस हो रहे हैं, हेजिटेशन उनको हो रही है, डर लग रहा है, या किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो रहा है, जो भी है उनकी सिचुएशन, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बोल्ड स्टेप ले सकते हैं उनकी तरफ इफ़ यू वांट। लेकिन अगेन, अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है, क्योंकि आप सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, किसी की इंटेंस है, किसी की लाइट है, किसी का मैटर सीरियस है, किसी का बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस है, बहुत लाइट है, तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस और एक्शंस लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर गाइडेंस ये है दैट अगर उनके अंदर अभी इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है तो यू कैन टेक अ बोल्ड स्टेप ओके टुवर्ड्स दिस पर्सन। इस पर्सन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, पहला कदम आप भी ले सकते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों का जो रोमांस है वो ख़त्म तो नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आगे और ग्रो करेगा, एक नई शुरुआत होगी। मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में कुछ समाप्त हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनके सारे एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स, होप्स, प्लान्स सब बर्बाद हो गए, सब बिखर गए, क्योंकि कुछ एंड हुआ है ओके। लेकिन आगे उन्हें किस्मत कहाँ ले जा रही है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है व्यूअर्स, आगे डेस्टिनी आप लोगों को एक न्यू रोमांटिक साइकिल की तरफ लेकर जा रही है, जिसको ये नहीं देख सकते अभी। आप लोगों को जो चीज़ फ्यूचर में आने वाली है वो अभी दिख नहीं रही है, इनफैक्ट आपके पर्सन भी इतने विजनरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि विजनलेस फील कर रहे हैं, तो इनको भी नहीं दिख रहा कि आगे इनकी किस्मत इन्हें कहाँ ले जा रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रही है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखता है व्यूअर्स कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल की तरफ आपकी किस्मत आपको ले जा रही है, आपके पर्सन की किस्मत ले जा रही है। तो आप दोनों एक न्यू रोमांटिक साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइजिंग है। तो इसीलिए उनको इतना नहीं पता है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगी, कुछ एंड नहीं होगा, इसीलिए वो डर भी रहे हैं अंदर ही अंदर, ऐसा लगता है। आइए देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस क्या है। वन कार्ड, P
पीसफुल रेजोल्यूशन। यस, अगर कोई भी बात हुई है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी डिफरेंसेस हुए हैं, तो पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। एक पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाले समय में दिख रहा है आप लोगों के बीच। वापस हार्मनी होगी, जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और सब कुछ बहुत शांति से, बहुत स्मूथ वे में होगा। देयर इज अ नो, वेल अगेन मुझे लग रहा है ये इस चीज के लिए नो है कि अगर आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा क्यूरियस हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में आकर एक बोल्ड स्टेप लीजिए, पहला स्टेप ले लीजिए अगर आप चाहें तो। लेकिन आई थिंक यहाँ इसी बात के लिए नो कहा जा रहा है, नहीं कि आई थिंक आपकी सिचुएशन व्यूवर्स अलाउ नहीं करती है, इसीलिए वो स्टेप आपको नहीं लेना चाहिए। बट अगेन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपकी, आपका मन करता होगा, आपको लगता होगा क्यों ना मैं ही फर्स्ट स्टेप ले लूँ या मुझे ही ले लेना चाहिए, लेकिन शायद आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ डिवाइन मैसेज जो है वो नो है। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।